सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। साथियों कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज मैं आप लोगों को एक बात बताने के लिए आया हूं। ज्यादा मेरी वीडियो नहीं है पर आप लोग प्लीज इस मेरी वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे भारतवर्ष के अंदर हिंदू और मुसलमान में काफी ज्यादा लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़े चल रही हैं, एनआरसी को लेकर जो भी चीजें हैं इस सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़ा चल रहा है, पत्थरबाजी चल रही है, गोलियां की बरसात हो रही है। आरएसएस के लोग इसमें कुछ शामिल हो रहे हैं, जय श्री राम, मतलब जो भी दल है। मैं किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहता पर मैं अपने बहुजन समाज के भाइयों से कह देना चाहता हूं कि बस आप लोगों से मेरी विनती रहेगी, हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि कभी भी इस चीजों में आप लोग मत पड़िए और इन लोगों का जो लोग हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं इन लोगों के साथ में ना जाइए। कभी भी आप लोग खड़े होने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस देश के संविधान का, इस देश के कानून का हम लोग पालन करते हैं और ऐसे हिंसा वाले चीजों में हम लोग नहीं खड़ा होते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात यह है कि हम लोग कानून के दायरे में आके काम करते हैं। अगर मान लीजिए भारत बंद हुआ था 23 तारीख को, मैं सम्मान करता हूं कानून के लोगों को, प्रशासन के लोगों का सम्मान करता हूं कि आप लोगों ने जहां पर भी हमें परमिशन चाहिए वहां पर आप लोगों ने, मतलब जहां परमिशन देने लायक था वहां पर आप लोगों ने परमिशन दिया और जहां पर नहीं परमिशन देने लायक था वहां पर आपने परमिशन नहीं दिया। मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं क्योंकि देश का हमारा जो माहौल है वो बहुत ही खराब चल रहा है। मैं प्रशासन के लोगों का सम्मान करता हूं कि आप लोगों ने जहां परमिशन मिलना चाहिए हमें आपने वहां दे दिया, और जहां मतलब हिंसा था, जहां नहीं देना चाहिए था, जहां की हालत गड़बड़ थी वहां आपने नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि साथियों हम लोग इस देश के कानून का और इस देश के संविधान का हम लोग पालन करते हैं, तो ऐसे हिंसा में, ऐसे चीजों में आप लोग ना पड़े तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं और ऐसे गलत चीजों में हम लोग नहीं पड़ते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि अगर हमें कुछ अगर हम करते भी हैं, मैं जानता हूं कि हमारे जो चीजों को रिजर्वेशन को लेकर जो ये बात हुई है इसको हटाने की और भुलाने की बात की गई है, पर फिर भी मैं इस बात से सहमत हूं, पर इस चीजों में आप लोग मत पड़िएगा, सीधी सी बात है। और इस चीज को जो भी है हम लोग लड़ाई तो लड़ेंगे अपने इस जो रिजर्वेशन की बात है, लेकिन आप लोग इस चीजों में मत पड़िए, क्योंकि देखिए देश में राजनीति के तौर पे क्या क्या हो रहा है आप लोग अभी देखते जाइए। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज ऐसे चीजों में आप लोग मत पड़िएगा, क्योंकि कभी भी देश का माहौल कोई ना कोई खराब कर दे रहे हैं ये लोग। कभी पुलिस वालों पे पत्थरबाजी हो रही है तो कभी जनता पे पत्थरबाजी हो रही है, तो कभी गोलियां चल जा रही है, कभी कुछ चल जा रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी चौकीदारी में लगे हुए हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बहुजन समाज के लोग भाइयों प्लीज हाथ जोड़कर आप लोगों से मेरी विनती है कि ऐसे हिंसा में, ऐसे चीजों में आप लोग ना पड़िएगा। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। सिर्फ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूले। जय भीम।